मथुरा में ऑटो चालक की लापरवाही से कई श्रद्धालु घायल हो गए। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग का है, जहां संत निवास पर एक ऑटो ओवरटेक करने के चक्कर में ई रिक्शा में जा टकराया, जिस कारण ई रिक्शा में बैठे श्रद्धालुओं को चोट आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद घायलों का उपचार कर उन्हें परिक्रमा के लिए भेज दिया गया। वहीं ऑटो चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। कुछ हम लोग इसको उसमें बैठे हुए थे जो रिक्शे में जी। और वो बैठे बैठे और फोन नंबर से जो आगे से कोई स्कूटर आया और उसने वो मार दिया, मतलब फोन नंबर आगे से वो एक्सीडेंट कर दिया उसने। बस उसके बाद बच्चों को चोट लगी है। कितने लोगों को चोट लगी है? कितने लोगों को चोट लगी है? दो जनों को लगी है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर जो है दो पुरुष आए हैं, फिर नरेंद्र और दूसरा है सुनील जी, ये दोनों जी। और इनके दोनों के चोट लगी है कि एक की बाँह में लगी, दूसरे के होंठ पर है, और कोई गंभीर चोट नहीं है उसके, लेकिन उनको तो फर्स्ट एड दे दिया हमने, सारे इंजेक्शन और खून रोकने की दवा दे दी है। इसके अलावा जो है जो दूसरा जो टेम्पो वाला है और नरेंद्र जिसका नाम है, वो जो है उसके थोड़े गंभीर चोट है उसके पेट में है, और कुछ हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो उसके, और उसको सारी दवा उपचार देने के बाद उसको जिला अस्पताल मथुरा रेफर कर रहे हैं। उसका भाई भी आ चुका है जी। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों जो अभी पहले बताया था, इनको पंकज और ये जो सुनील थे, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये जो टेम्पो वाला नरेंद्र है ये गोवर्धन का ही है।